हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नए ट्यूशन जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपको लगातार गेम्स रिलेटेड वीडियोस को डाल रहा हूं और सीरीज चला रहा हूं। मैं लगभग सारे गेम्स के वीडियोस डाल दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप वहां जाकर देख सकते हैं, या फिर मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑल गेम्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। और इससे पहले मैंने कुछ पुराने पेपर्स को डाल रखा है, चाहे UGC नेट के हों, चाहे KVS चाहे नवोदय के हों, या फिर UPTGT के हों, या फिर DSSSB के हों। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देख लेते हैं आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। हैंडबॉल से संबंधित क्वेश्चंस आपके सामने रहेंगे, चलिए आइए देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना आज का। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज अवॉर्डेड व्हेन द बॉल गोज आउट फ्रॉम द साइड लाइन। तो जब हैंडबॉल में जो खेल हैंडबॉल खेल में जब गेंद जो होती है वो साइड रेखा से बाहर चली जाती है तो इसे हम क्या देते हैं या क्या बताते हैं या क्या बोलते हैं, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होता है दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, थ्रो इन बोलते हैं। ठीक है, जब गेंद साइड रेखा से बाहर चली जाती है तब क्या दिया जाता है, तो थ्रो इन दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर अब बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। यहाँ बात हो रही है कि विच रेफरी इज द कोर्ट रेफरी एंड द गोल लाइन रेफरी एट द बिगनिंग ऑफ अ मैच। एक मैच की शुरुआत में कौन सा रेफरी कोर्ट रेफरी तथा कौन सा गोल लाइन रेफरी बनता है, आपको ये बताना है। ठीक है, मैच की शुरुआत में आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, द रेफरीज आर फ्री टू मेक देयर ओन च्वाइस। तो रेफरी क्या होता है कि अपने पसंदीदा जगह को चुनने के लिए फ्री होता है। ठीक है, आइए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 की बात हो रही है, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इन बीजिंग 2008 ओलंपिक्स AD विच ऑफ द टीम सिक्वेंसली वॉन द गोल्ड सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल इन वुमेन ग्रुप। तो 2008 के ओलंपिक खेलों में हैंडबॉल का जो फर्स्ट सेकेंड यानी कि गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल का जो सीक्वेंस है कंट्री का वो बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो पहला गोल्ड मेडल नॉर्वे, रसिया एंड साउथ कोरिया ने जीता था। आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 64। तो यहाँ बात हो रही है कि विच इज द मेजरमेंट ऑफ डायगनल ऑफ द हैंडबॉल कोर्ट। तो हैंडबॉल कोर्ट का जो डायगनल निकलता है वो कितना होना चाहिए, आपको ये बताना है। देखिए, जितने भी रेक्टेंगल कोर्ट बनते हैं तो उसके डायगनल अगर आप निकालते हैं तो कभी भी आपका कोर्ट गलत नहीं होगा। ठीक है, कभी भी एक इंच या एक सेंटीमीटर का भी डिफरेंस नहीं होगा अगर आप सही से डायगनल आपको निकालना आता है तो। तो यहाँ पे स्टार्ट करते बता रहा है कि हैंडबॉल कोर्ट का जो डायगनल है वो कैसे क्या होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो उसका लेंथ होता है ये 40x20 मीटर का होता है। ठीक है, हैंडबॉल कोर्ट। तो स्टार्ट करते हैं और इसका डायगनल देख लेते हैं कितना है। यहाँ पे 64, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 44.72 मीटर्स का डायगनल निकलता है आपका इसका। अब इसको निकालने के लिए क्या होता है, इसको निकालने के लिए आप ध्यान दीजिए कि अंडर रूट ऑफ लेंथ स्क्वायर, सॉरी लेंथ और उसके बाद होता है विड्थ का स्क्वायर रखते हैं, तो ये आपका क्या होता है, सॉरी यहाँ प्लस होगा। ठीक है, तो ये आपका निकालता है डायगनल एक्सिस। ठीक है, डायगनल निकलता है कोर्ट का। आगे बात कर लेते हैं 65 में, यहाँ क्या बोल रहा है कि प्लेयर्स में ड्रिबल, प्लेयर्स का खिलाड़ी ड्रिबल कर सकते हैं, कब कर सकते हैं आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑफिशियली। तो यहाँ पे जो खिलाड़ी हैं वो ड्रिबल तब कर सकते हैं जब ऑफिशियली एज लॉन्ग एज दे लाइक। ठीक है, आधिकारिक तौर पर जब तक वे पसंद करते हैं तब तक वो ड्रिबल कर सकते हैं, ऐसा कोई भी मतलब रूल नहीं है कि तीन बार ही ड्रिबल कर सकते हैं या कभी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ड्रिबल कर सकते हैं जब तक वो चाहे तब तक, लेकिन एक बार टच होने के बाद 3 सेकंड के अंदर उन्हें थ्रो करना है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यहाँ बात रही विच अपैरेटस आर रिक्वायर्ड टू मेजर द थ्रोइंग स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑफ हैंडबॉल प्लेयर। तो कौन सा ऐसा अपैरेटस होता है जो हैंडबॉल के प्लेयर के थ्रोइंग एक्यूरेसी को मेजर करता है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, हैंडबॉल कोर्ट
10 बॉल्स एंड 1 स्टॉप वॉच। तो ये हैंडबॉल कोर्ट में 10 बॉल होनी चाहिए और एक स्टॉप वॉच है, मतलब ये जो है आपका एपरेटस होता है जो कि आपकी हैंडबॉल में हैंडबॉल प्लेयर की स्पीड, थ्रोइंग स्पीड एक्यूरेसी को मेजर करता है। आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 यहाँ पे बात हो रही है, हु कैन रिक्वेस्ट अ टीम टाइम आउट। टाइम आउट मतलब टीम टाइम आउट का अनुरोध कौन कर सकता है, ठीक है, टीम टाइम आउट का रिक्वेस्ट कौन कर सकता है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, वन ऑफ द टीम ऑफिशियल। तो टीम ऑफिशियल, टीम अधिकारियों में से कोई एक है जो टाइम आउट के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है रेफरी से। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 68। तो क्वेश्चन नंबर 68 यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 68 को देख लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि एन ऑफेंसिव प्लेयर में एक आक्रामक खिलाड़ी कर सकता है, ठीक है, ऑफेंसिव मतलब आक्रामक होता है, डिफेंसिव मतलब कि आपको डिफेंस करके खेलता है। तो एक ऑफेंसिव प्लेयर जो होता है वो क्या कर सकता है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, टेक 3 सेकेंड एंड 3 स्टेप बिफोर पासिंग। तो पास देने से पहले वो 3 सेकेंड तक बॉल पकड़ सकता है और 3 कदम तक ले सकता है, एक डिफेंसिव प्लेयर। आगे बात कर लेते हैं 69। तो 69 की बात हो रही है कि वाट इज डबल ड्रिबल। डबल ड्रिबल का मतलब क्या होता है हैंडबॉल में आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, वायलेशन फाउल होता है। डबल ड्रिबल का मतलब क्या है, दैट इज वायलेशन फाउल। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 70 को देख लेते हैं। यहाँ बात हो रही है कि द रेफरी हैव डिसाइडेड टू ब्रिंग द रिजर्व बॉल इन टू प्ले, वेन विल द ओरिजिनल बॉल बी यूज अगेन। रेफरी ने अच्छी गेंद को खेलने में लाने का फैसला किया है, मूल गेंद को फिर से कब उपयोग कर सकता है, दोबारा कब चला सकता है, जो मतलब ओरिजिनल खेल से हो रहा था बीच में उसने क्या किया, बॉल को चेंज कर दिया, लेकिन जो दोबारा पहले इस बॉल से हो रही थी उसको कब ला सकता है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, वेन द रेफरी फाइंड इट नेसेसरी टू यूज टू इट अगेन। जब रेफरी को ये लगेगा कि अब वो दोबारा वाला बॉल जो है उसको लाना चाहिए ओरिजिनल बॉल को, तो वो दोबारा वहाँ लाकर चेंज कर सकता है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71, यहाँ बात हो रही है कि हाउ रिपीटेड पैसिव प्ले इज पेनलाइज्ड। निष्क्रिय खेल दोहराए जाने पर दंडित कैसे किया जाता है, यानी कि रिपीटेड पैसिव प्ले होता है जब, तो उसे किस तरह से पेनलाइज किया जाता है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, फ्री थ्रो के द्वारा उसको पेनलाइज किया जाता है जब रिपीटेटिव पैसिव प्ले होती है तब। आगे बात कर लेते हैं कि वेन वाज इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन IHF फॉर्म्ड, ठीक है, इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन कब फॉर्म किया गया था आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, 1946 में बना था आपका IHF इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73, तो यहाँ बात हो रही है कि विच ऑफ द एक्शन नलीफाई द फोर वार्निंग सिग्नल ऑफ अ पैसिव प्ले। निम्नलिखित में से कौन सा कार्रवाई से निष्क्रिय खेल से पहले की चेतावनी रद्द हो जाती है, विच ऑफ द एक्शन नलीफाई नल हो जाता है, विच ऑफ द एक्शन नलीफाई, ठीक है, फॉर वार्निंग सिग्नल ऑफ अ पैसिव प्ले। तो खेलने से पहले कौन से सिग्नल को हम क्या करते हैं, रद्द कर देते हैं आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, रिन्यूड बॉल पोजीशन फॉर द अटैकिंग टीम आफ्टर द बॉल हैज रिबाउंडेड फ्रॉम द क्रॉस बार ऑफ द गोल पोस्ट। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 74 को देख लेते हैं। यहाँ बात हो रही है कि डिफेंसिव स्ट्रेटजी वेयर अ डिफेंडर इज असाइंड अ स्पेसिफिक अपोजिशन प्लेयर टू गार्ड रादर देन कवरिंग एन एरिया ऑफ द कोर्ट इज। तो एक डिफेंसिव स्ट्रेटजी के अंतर्गत क्या होता है कि एक डिफेंडर होता है जो असाइन किया जाता है कि एक स्पेसिफिक पोजिशन पर, ताकि वो अपोजिशन प्लेयर को क्या कर सके, गार्ड कर सके। तो वो कितने एरिया तक उस चीज़ को कोर्ट में कितने एरिया तक उसको कवर कर सकता है, बजाय किसी खिलाड़ी को डिफेंस किया जाता है, तो डिफेंडर के कोर्ट क्षेत्र में आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, मेन मार्किंग क्षेत्र तक जो होता है वहाँ तक वो उसको क्या कर सकता है, कवर कर सकता है और स्पेशल पोजीशन अपना ले सकता है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75, तो क्वेश्चन नंबर 75 को देख लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि
player is executing a throw in from a position 2 meters outside the sideline, what will be the correct decision? खिलाड़ी पच लाइन के बाहर 2 मीटर की दूरी पर स्थित होकर थ्रो इन कर रहा है, तो इसका करेक्ट क्या हम मानेंगे इसको कि 2 मीटर साइड लाइन से 2 मीटर क्या कर रहा है कि दूर खड़े होकर थ्रो इन कर रहा है, तो इसे हम क्या करेंगे आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। रिपीट द थ्रो इन आफ्टर विसिल सिग्नल, सिटी सिग्नल के बाद थ्रो इन दोहराना, ठीक है। आइए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 76 है। इन विच ईयर डिड द वुमेन टीम हैंडबॉल बिकम एन ओलंपिक स्पोर्ट्स, तो किस साल में महिलाओं के लिए हैंडबॉल ओलंपिक स्पोर्ट्स में जोड़ा गया आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 1976 में महिलाओं के लिए हैंडबॉल को ओलंपिक खेल में जोड़ा गया था। आइए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77। यहाँ बात हो रही है कि अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटिशन रेगुलेशन व्हेन अ मैच एंड्स इन अ ड्रॉ, अगर हम कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंग बात करें, ठीक है, रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बात करें, तो मैच खत्म हुआ है ड्रॉ पर, द एक्सटेंडेड टाइम इज प्लेड इन टू हाफ, फिर से क्या हुआ कि टाइम को एक्सटेंड किया गया और फिर जो मैच हो रहा है वो 2 हाफ में किया गया और 5 मिनट्स के 2 हाफ में फिर से बांटा गया विद अ 1 मिनट ब्रेक बिटवीन देम, और 5 मिनट के बीच में 1 मिनट का ब्रेक दिया गया, व्हाट इज दिस एक्सटेंडेड टाइम कॉल्ड, तो जब जो टाइम एक्सटेंड किया गया, एक्स्ट्रा टाइम एक्सटेंड किया गया जब मैच ड्रॉ हो गया, तो उसे हम किस टर्म के नाम से जानते हैं आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी ओवर टाइम। क्या कहते हैं इसको? ओवर टाइम कहते हैं। आइए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। तो क्वेश्चन नंबर 78 यहाँ पे क्या कह रहा है कि बाई विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रोज इज इट नॉट पॉसिबल टू स्कोर एन ओन गोल, तो निम्नलिखित थ्रो में से अपना गोल करना संभव नहीं है, तो अपने में मतलब वो अपने खिलाड़ी खुद से अपने में गोल नहीं कर सकते हैं, तो किसके द्वारा गोल नहीं माना जाएगा आपको ये बताना है कि खुद के कोर्ट में अपने से गोल नहीं कर सकते हैं वो, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। गोल कीपर थ्रो को क्या है कि गोल नहीं माना जाता है जब वो अपने कोर्ट में कर देता है, तो गोल कीपर के द्वारा जब थ्रो मतलब गोल होता है गोल कीपर थ्रो से गोल नहीं माना जाता है। आइए आगे बात कर लेते हैं 79। यहाँ बात हो रही है कि वाइल डिफेंडिंग अ पेनाल्टी थ्रो, तो जब कोई खिलाड़ी है पेनाल्टी थ्रो को डिफेंड कर रहा है, ठीक है, सॉरी वाइल डिफेंडिंग अ पेनाल्टी थ्रू द गोल कीपर, मतलब पेनाल्टी जो है वो डिफेंड किया जा रहा है गोल कीपर के द्वारा, कुड नॉट कम आउट ऑफ दिस लाइन, तो वह किस लाइन के बाहर नहीं आ सकते मतलब डिफेंडिंग कर सकता है आपको ये बताना है। जो गोलकीपर है वो डिफेंड कर रहा है पेनाल्टी थ्रो को, तो वो किस लाइन के बाहर में आकर उसको डिफेंड नहीं कर सकता आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी गोलकीपर्स रिस्ट्रेनिंग लाइन, तो गोलकीपर रिस्ट्रेनिंग लाइन के बाहर आके डिफेंड नहीं कर सकता है। आइए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80। और क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पे बात कर रहा है कि हैंडबॉल मैच स्टार्ट विद, तो हैंडबॉल मैच कैसे स्टार्ट किया जाता है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी थ्रो ऑफ से, किससे स्टार्ट किया जाता है? थ्रो ऑफ से, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81। यहाँ पे बात हो रही है कि द लॉ 18 इज रिलेटेड विथ, तो जो हैंडबॉल में लॉ है 18 वो किस चीज़ से रिलेटेड होता है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। रेफरी से संबंधित है, 18 जो है वो रेफरी से संबंधित है लॉ हैंडबॉल में। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 82 या क्या कह रहा है आपको दिखा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 82 यहाँ पे कहते हैं कि प्लेयर कैचेस द बॉल वाइल स्टैंडिंग, जब प्लेयर खड़ा है तो उसने बॉल को कैच कर लिया, पकड़ता है, देन ही जंप्स एंड लैंड्स ऑन द राइट फुट, और उसने जंप किया और अपने दाएं पैर पर क्या हुआ कि राइट फुट पर उसने लैंड किया, जंप्स टू हिज लेफ्ट फुट टू थ्रो, और फिर उसने क्या किया कि अपने जो खिलाड़ी खड़े होकर गेंद पकड़ता है वह कूद कर दाहिने पैर को भूमि पर रखता है और गेंद फेंकने के लिए बाएं पैर पर कूदता है, उसे कितने कदम उठाएं, तो आपको बताना है कि हाउ मेनी स्टेप्स हिज टेकन, तो कोई खिलाड़ी है उसने क्या किया कि बॉल को पकड़ा उसके बाद उसने राइट फुट पर क्या किया जंप किया और लेफ्ट फुट पे क्या किया कि वहाँ से जंप लेकर थ्रो किया लेफ्ट फुट पे, तो उसने कुल कितने स्टेप लिए आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी दो स्टेप उसने लिए ऐसा करने में।
आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आइए, यहाँ बात हो रही है कि हाउ मेनी टाइम आउट्स आर देयर इन अ हाफ। ठीक है, एक हाफ में कितने टाइम आउट होते हैं, तो एक टाइम आउट में कितने, एक हाफ में कितने टाइम आउट होते हैं आपको ये बताने हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, वन, एक टाइम आउट मिलता है एक हाफ में। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ बात हो रही है कि फॉर अ नॉकआउट टूर्नामेंट इफ नंबर ऑफ टीम्स आर 25, किसी नॉकआउट प्रतियोगिता में क्या है कि जो टीम है वो कितनी है, 25 है, देन हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड इन फर्स्ट राउंड। तो कितने मैच फर्स्ट राउंड में खेले जाएंगे आपको ये बताने हैं। मान लीजिए कि आपके पास, देखिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसका मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। सबसे पहले इसने बताया कि 25 टीमें हैं, ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में कितने मैच खेले जाएंगे, 25 टीमें हैं, तो आप क्या करेंगे कि पहले आप ये देखेंगे कि इसमें आपको कितनी, 25 में आपको कितनी बाई देनी है। तो 25 को बाई निकालने के लिए आपको कितना करना पड़ेगा, 32 से माइनस करना पड़ेगा, तो आपके पास कितना आया, 7 बाई आया। तो यानी 25 में से, यानी आपके पास टीमें कितनी है, 25, इसमें से आपने 7 लोगों को बाई दे दी, तो आपके पास कितना बचा, 18। अब ये 18 का जब आप पेयर बनाएंगे तो 9 बनेगा, ठीक है, 18 को अपॉन 2 कर देंगे, यानी पेयर बनाएंगे तभी तो मैच होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9। तो इसका जो राइट आंसर है 84 का, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, अब समझ में आया आपको। इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कभी कभी दे देता है, ठीक है। अगर आपको इसको प्रैक्टिस करना है तो आप लीजिए मुझसे क्वेश्चन की 47 टीमें हैं तो फर्स्ट राउंड में कितने मैचेस होंगे। आइए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ बात कर रहा है कि फॉलोइंग इज नॉट अ पेनाल्टी इन हैंडबॉल। इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा दंड हैंडबॉल में नहीं होता है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 5 मिनट सस्पेंशन जो होता है वह आपके हैंडबॉल में नहीं होता है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86। यहाँ पे बात हो रही है कि विच कॉम्पोनेंट इज नॉट देयर वाइल परफॉर्मिंग द क्वालिटी जंप सूट। वह घटक कौन सा है जो क्वालिटी जंप शॉट का प्रदर्शन करते समय नहीं होता है, मतलब जब आप जंप शॉट पर क्वालिटी जंप शॉट करते हैं तो वह चीज़ आपको, मतलब वह कंपोनेंट इसमें से काम नहीं करता जब आप जंप शॉट करते हैं तब। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, हेड डाउन। तो हेड डाउन जो होता है वह जंप शॉट में काम नहीं करता है, ये मतलब जंप शॉट के समय हेड डाउन का काम नहीं होता है। आगे बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द साइज ऑफ रेड कार्ड एंड येलो कार्ड। तो रेड कार्ड और येलो कार्ड का साइज कितना होता है हैंडबॉल में आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 9 to 12 सेंटीमीटर का होता है, 9 into 12 सेंटीमीटर का होता है रेड और येलो कार्ड। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88। यहाँ पे बात हो रही है कि इंटरनेशनल एमेच्योर हैंडबॉल फेडरेशन वाज फॉर्म्ड इन द ईयर। तो इंटरनेशनल एमेच्योर हैंडबॉल फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देखिए आंसर की के हिसाब से यहाँ पे 1928 दिया हुआ है, बाकी आगे आप इसको नेट पे सर्च करके इसका एग्जैक्ट जान सकते हैं। आइए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 89। तो क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि हाउ मेनी कंट्रीज हैंडबॉल टीम्स हैड पार्टिसिपेटेड इन 1936 एडी बर्लिन ओलंपिक्स। तो 1936 के जो बर्लिन ओलंपिक खेल हुए थे उसमें बर्लिन ओलंपिक में हैंडबॉल में टोटल कितने कंट्रियों ने, कितने देशों ने प्रतिभाग किया था आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 6 कंट्रियों ने प्रतिभाग किए थे। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90। यहाँ बात करते हैं कि व्हाट शुड बी द करेक्ट सर्कमफ्रेंस ऑफ द हैंडबॉल फॉर मैन। तो जो पुरुषों का हैंडबॉल होता है उस हैंडबॉल का जो सर्कमफ्रेंस होता है, परिधि होती है, वो कितनी होती है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 58 से 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और महिलाओं के लिए जितना होता है 56 से 58, महिलाओं के लिए कितना होता है 56 से 58 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ये ज़्यादा अच्छा है। आइए क्वेश्चन नंबर 91 को देख लेते हैं। यहाँ बात हो रही है कि द
द क्विकेस्ट वे टू एडवांस द बॉल डाउन इन द कोर्ट इज बाई, तो कोर्ट में गेंद को आगे बढ़ाने का सबसे तेज तरीका क्या है, मतलब कि कोर्ट को बॉल को आगे बढ़ाने का सबसे तरीका क्या होता है आपको बताना है हैंडबॉल में। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, पासिंग। सबसे तेज अगर आगे की तरफ बॉल बढ़ाना है तो पासिंग आपका सही होना चाहिए, इससे सबसे तेज बॉल आगे की तरफ बढ़ाया जा सकता है, अपोनेंट के कोर्ट की तरफ बढ़ाया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 92 यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर थोड़ी सी अगर आपको धुंधला दिख रहा है तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप इसकी क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। व्हाट इज़ द मेजरमेंट ऑफ द सेगमेंट एज वेल एज द स्पेसेस बिटवीन द ब्रोकन फ्री थ्रो लाइन 9 मीटर, तो टूटी हुई फ्री थ्रो लाइन के खंडों और साथ ही साथ खंडों के मध्य रिक्त स्थान का माप क्या होता है। व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ द सेगमेंट एज वेल एज द स्पेस बिटवीन द ब्रोकन फ्री थ्रो लाइन के बीच में स्पेस कितना होता है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 15 सेंटीमीटर होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि इन विच कंट्री द गेम ऑफ हैंडबॉल हैज़ ओरिजिनेटेड, तो किस कंट्री को हैंडबॉल खेल का जन्मदाता माना जाता है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी को माना जाता है हैंडबॉल का जन्मदाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन 94 को देख लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस डिटरमाइन फॉर डिफेंसिव प्लेयर ड्यूरिंग द फ्री थ्रो, तो फ्री थ्रो के दौरान जो होता है जो डिफेंसिव प्लेयर होता है ना के लिए निर्धारित मतलब डिस्टेंस कितनी दूरी पे होना चाहिए आपको ये बताना है डिफेंसिव प्लेयर के लिए। ठीक है, डिफेंसिव थ्रो अगर प्ले कर रहा है फ्री थ्रो कर रहा है डिफेंसिव प्लेयर कोई, तो उसका डिफेंसिव प्लेयर का कितना दूरी पे होना चाहिए आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 3 मीटर की दूरी पे। फ्री थ्रो के दौरान रक्षात्मक खिलाड़ियों के लिए निर्धारित न्यूनतम दूरी क्या है, 3 मीटर। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, तो यहाँ पे बात हो रही है कि विच हु इज़ द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, डॉक्टर हसन मुस्तफ़ा। ठीक है, अगर हो सकता है कि करेंट में ये चेंज हो गया हो तो इस पर इशू मत बनाइएगा, ये करेंट में क्योंकि पेपर 2018 का है। ठीक है, 2018 का पेपर है तो आप इस पर इशू मत बनाइएगा, तो आप इस पर भी अभी जाकर चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपको नॉलेज होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, अगर सही है तो और अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, अ सेट ऑफ अ प्लांट गेम एलिमेंट्स टू बी यूज इन अटैक एंड इन डिफेंस ऑफ अ टीम ड्यूरिंग द गिवन गेम इज कॉल्ड, दिए गए गेम के दौरान एक टीम द्वारा हमला किया जाता है यानी कि आक्रामक यानी कि ऑफेंसिव काम होता है और रक्षा में उपयोग किए जाने वाले योजनाबद्ध गेम तत्वों को सेट को क्या कहते हैं। अगर स्ट्रेटजी पूर्वक या प्लांट गेम के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, टैक्टिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, तो किसी भी खेल को खेलने के लिए जो हम प्लान यूज़ करते हैं उसे तो हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटजी कहते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि डिफेंसिव यानी कि ऑफेंसिव यानी कि जो अपोनेंट मूवमेंट करता है ना उस मूवमेंट को हम जब तोड़ निकाल के परफॉर्म करते हैं या मूवमेंट्स में चेंजेस करके लॉस देते हैं तो उसे हम टैक्टिक्स के नाम से जानते हैं खेल के दौरान जब होता है। तो आइए आगे बात कर लेते हैं कि हाउ मेनी बॉल्स मस्ट बी अवेलेबल बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द मैच, मैच शुरू होने से पहले कितनी गेंद उपलब्ध होनी चाहिए हैंडबॉल में आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 2 बॉल होनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 को देख लेते हैं। यहाँ बात हो रही है कि व्हाट आर द रिक्वायर्ड इंटीरियर मेजरमेंट ऑफ द गोल पोस्ट, तो गोल पोस्ट का जो आंतरिक यानी कि इंटीरियर माप होता है वो कितना होता है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 2 x 3 meters ये इंटीरियर आपका गोल पोस्ट होता है हैंडबॉल में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 99 को देख लेते हैं। यहाँ बात हो रही है वेयर द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल हैंडबॉल इज सिचुएटेड, तो हैंडबॉल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बेसल में है। ठीक है, बेसल में। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ बात कर रहा है कि हाउ मेनी वाइड इज द गोल लाइन बिटवीन द पोस्ट, गोल पोस्ट के बीच में गोल लाइन कितनी चौड़ी होती है आपको ये बताना है हैंडबॉल में। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 8 सेंटीमीटर होती है चौड़ी। ठीक है, 8 सेंटीमीटर गोल पोस्ट की लाइन जो चौड़ी होती है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और चलते हैं, आज मैं आपको एक नया तरीका बताता हूँ कि कैसे मैंने आपको, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं
तो मैंने स्टैगर के लिए एक ट्रिक बताया था आपको कि स्टैगर कैसे निकालते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं। आई थिंक कि इसको मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ ताकि वो चीज़ें सही रहेंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।